हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि जो भाई लोग बकरी पालन करना चाहते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो गलतफहमी है उसको पहले निकाल दीजिए, उसके बाद बकरी पालन में आइए। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि मैं वीडियो देख के बकरी पालन में सक्सेस हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर हमारे द्वारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि जो भी भाई लोगों के अंदर ये डाउट चल रहा है, इस डाउट से उनका नुकसान हो जाएगा, और नुकसान हो जाएगा तो मान प्रतिष्ठा इज्जत पैसा सब चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, तभी जाके आप बकरी पालन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जो भी भाई लोगों को लगता है कि उनको बकरी पालन करने के लिए वीडियो देख देख करके सीख लेंगे, तो एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। क्या आप वीडियो देख देख करके बकरी पालन करना शुरू कर लेंगे और फिर उसमें सक्सेस हो जाएंगे, उसमें कई जानकारियां इकट्ठा कर लेंगे? जैसे एस के सर हैं, उनका जो है आप लोग वीडियो देख देख करके सोच रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग में एकदम अपर हो गया हूँ, मेरे पास हर कोई जानकारी हो गई है। तो ये सब गलत है। आप लोग जब भी बकरी पालन करना चाहते हैं, आप लोगों को पूरा पूरा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। जो भी उनका पूरा ट्रेनिंग होता है कि उसको उस टाइम टाइम पे क्या दिया जाए, क्या खिलाया पिलाया जाए, क्या उनका वैक्सीन है, क्या उनका बीमारी है, क्या उनका उपचार है, जो भी समस्याएं हैं वो आपको बताई जाती हैं। बिना ट्रेनिंग के आप लोग अगर बकरी पालन में उतरते हैं तो आप लोगों का 100% लॉस चला जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो पड़े हुए हैं। वहाँ से आप लोग देख देख करके सोच रहे हैं कि मैं सीख लूँगा, सीखने के बाद मैं फिर कर लूँगा, तो इसमें आपकी 100% नुकसान होने वाली है। क्योंकि ठंडक के मौसम में इस तरह से बकरियाँ मरती हैं, उनका बच्चे होते हैं तो पतला जो है लेटरिंग करते हैं, उनके कारण जो है कभी कोई समस्या उठ जाती है। इन सब का तो उपचार आप लोगों को पता नहीं होगा, कौन कौन सी बीमारी किस टाइम पे आती है, कौन सा वैक्सीन किस टाइम पे लगवाना है। अगर आपको यूट्यूब के माध्यम से किसी वीडियो में पता भी चल जाता है, तो उस चीज़ की 100% जानकारी आपको नहीं हो पाती है कि मैं इसका उपचार कैसे कराऊँ, किससे मुलाकात करूँ, कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होगा। तो इन सब चीज़ को परे रखते हुए आप लोगों को सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करने से पहले करना होगा कि जाके ट्रेनिंग लीजिए। जब आपकी ट्रेनिंग पूरा हो जाएगी, आप एकदम 100% सक्सेस हो जाएंगे। एक अच्छा सा सेट तैयार कीजिए, सेट में बकरियाँ लाइए चुन चुन के, जो कि अच्छे बच्चे देने वाली, उनका स्वास्थ्य सही हो। ग्रेजिंग पे रखिए, स्टॉल फीड पे रखिए, मैनेजमेंट कीजिए, तब रखिए। नहीं तो देखिए, इसमें फायदा ही फायदा है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है, फायदा ही फायदा है। अगर आपको ट्रेनिंग है, आपके पास जानकारी है, आप खुद से लगन से और मेहनत से काम करेंगे, तब आपका फायदा ही फायदा। ऐसा नहीं है कि लेबर के ऊपर रहेंगे तो आपका जो है काम निकल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। और ये मत सोचिएगा कभी कि जीरो कॉस्ट पे आप बकरी पालन कर लेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो लगना ही लगना है। कम से कम अगर 20 बकरियाँ का, तो साल का 30-40 हज़ार लगेगा, 30 हज़ार 40 हज़ार आराम से लग जाएगा। क्योंकि इसको दवा देना है, क्रॉस कराना है, हरा चारा के साथ साथ उसको सूखा चारा भी देना है, खली देना है, भेली देना है, और खुद्दी देना है, और भी तरह तरह के गेहूं है, कोई भी चीज़, मतलब मिनरल चीज़ हुआ, जैसे चने का कली हो गया, या फिर चने का पत्ता हो गया, या फिर कोई भी चीज़ हो गया, तो उसको आपको देना है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा कॉस्ट गिरेगा, तो उसको आपको मैनेज करने चलना होगा। साथ ही साथ आपको ये देख के चलना होगा कि आप जब जिस दिन आप बकरी पालन शुरू करेंगे, आपके फैमिली वालों का एक अलग खर्चा होता है, जिसको आपका अगर कोई फैमिली का पर्सन है संभाल रहा है, तो आपके लिए बेस्ट है साल 2 साल आप इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो अगर आप ही घर के अकेले हैं, तो आप घर कैसे चलाएंगे, बकरियों को कैसे रख रखाव उनका कर पाएंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग जब भी इस बिजनेस को शुरू करें, तो पूरी तरह से सोच समझ लें, जानकारी रख लें, कि मतलब ऐसा ना हो कि बाद में उसको पलट के देखना पड़े कि मेरा पैसा नुकसान हो गया, टाइम नुकसान हो गया, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा सब दांव पे लग गया। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जो भी काम करना है सोच समझ के करना है। सबसे पहली बात है बकरियों का मैनेजमेंट बरसात में। लोग ठंडक में तो कहते हैं कि हाँ ठंडक में उनके बच्चे मरते हैं, बकरियाँ ठंड के कारण मरती हैं, पर अगर आप रख रखाव और देखभाल करेंगे तो ये समस्या आपके स्टॉल फीड पे या फिर बकरी फार्म पे कम आएगी। लेकिन अगर आप बरसात की बात करें, बरसात में बहुत समस्या होती है, क्योंकि बकरियां जो बरसात में पानी में नहीं हलना चाहती हैं, पानी में निकलना नहीं चाहती हैं, और उनका जो भी मतलब रख रखाव का स्थान होता है पूरी तरह से भीग जाता है, पुआल हुआ या फिर उनका
मतलब अर्थ हुआ, जमीन हुआ, जहाँ वो बैठती हैं वो भी भीग जाता है, वहाँ पे नमी हो जाती है, तो वो बैठ भी नहीं पाती हैं सही से। उनको बैठने में नीचे से जो है शीतलन से उनके बॉडी में ठंड इंक्रीज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो वहाँ पे भी समस्या। तो अगर ठंडक का सीजन है तो आप पुआल उल रख दे रहे हैं, अलाव जला दे रहे हैं, हीटर लगा दे रहे हैं, तो वहाँ कम टेम्परेचर जो है बना रहेगा। लेकिन बरसात में आप कितना ज़्यादा हीटर लगाएंगे, पानी से जो है उसको तार पार होता है, फिर अर्थ होने का समस्या बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि बरसात में ही ज़्यादा समस्या आती है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि जो भी भाई लोगों के मन में ये डाउट था कि मतलब मैं वीडियो देख देख करके मैं सीख लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप जाइए एक अच्छे ट्रेनर से, अपने निजी कृषि संस्थान से कहीं से ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद जब वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा कि मतलब आप एकदम पूरा फुल पास हैं, तो आप जाइए अपना बने से। और शुरुआत में दोस्तों मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम लगेगा वो अलग बात है, टाइम लगेगा, साल 2 साल तो लोग वैसे भी निकाल देते हैं अपना पता नहीं किस तरीके से, लेकिन अगर टाइम लग रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन पैसा रखा रखाया पैसा अगर कहीं ख़त्म हो गया तो पैसा भी टाइम से आता है और पैसा भी टाइम में ही निकल जाएगा, आपका डबल नुकसान होगा। एक टाइम में कमाएंगे तो पैसा आएगा, एक टाइम में बैठ के बकरी के पीछे खर्च कर देंगे तो आपका टाइम टाइम टू डबल नुकसान हो जाएगा, पैसा तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए दोस्तों जब इसका पर्पज़ जानकारी हो जाएगा तभी इस बिजनेस में उतरिएगा। मैं आप लोगों को सजेशन इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने इसका अनुभव किया है, और जो एक बकरी से 12,000 15,000 का लोग बताते हैं, जब आप 100% इसका सफल जो है परीक्षण लेने के बाद सफल जो है, जब आप बिजनेस बकरी पालन करेंगे, एक एक बच्चे को एक एक बकरी को बचा के संभाल के रखेंगे, तब 10 से 15 हज़ार आपका सालाना एक बकरी से मिलेगा। नहीं तो आपका कहीं अगर लापरवाही किए तो बच्चे मर जाएंगे, बकरियां तक मर सकती हैं, आपका साल का सारा पैसा खत्म, बकरी का पैसा खत्म, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा कि फुल लॉस लग जाएगा। इसलिए इसको ट्रेनिंग के माध्यम से ही शुरू करें, वीडियो देखना बंद करें। वीडियो देखिए, उसमें 10-20% जो है जानकारियाँ मिलती हैं, मैं बोलूँगा कि 10-20% जानकारियाँ रखें, कभी कभी वो भी काम आती हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि केवल वीडियो देख करके मैं बकरी पालन में सक्सेस हो जाऊँगा। मैं ट्रेनिंग जो लोग ट्रेनिंग में ट्रेनर लोग ट्रेनिंग देते हैं, उस चीज़ को मैं घर बैठे ही पा जा रहा हूँ, मेरे अंदर वो मैं जानकारी हो जा रही है, तो ये सब गलत बात है। आप अपने मन की भावनाओं को निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जानकारी मैं आप लोगों को लाता रहता हूँ। इसके बाद जो भी जानकारी भी मिलेगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।